तो क्वेश्चन नंबर वन, मार्क्स डज नॉट बिलीव इन, कार्ल मार्क्स किस चीज में बिलीव नहीं करते थे, क्वेश्चन नंबर वन है, आपको आंसर करना है। आई एम गिविंग द पोल, ओके ओके ओके, चलिए बहुत अच्छा, 16 लोगों, 17 लोगों, 18, 19, जल्दी से आंसर कीजिए, वेरी गुड, लेट्स गो। तो दिस टाइम आई कैन सी दैट, पहले देखते हैं, वेरी गुड, 11 हैज गिवन द करेक्ट आंसर, अलका, सुनीता, मानसी, शुभम, मनीषा, रोहित, विश्वजीत, हर्ष, राहुल, शांत, श्रद्धा, वेरी गुड, 11 हैज गिवन द करेक्ट आंसर, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, ठीक है, आपका जो ऑप्शन ए है, यानी कि मार्क्स कभी, कार्ल मार्क्स कभी बिलीव नहीं करते थे कि ह्यूमन कॉन्शियसनेस में आपका जो सोशल एग्जिस्टेंस है, किस चीज की बात करते थे, कौन बताएंगे, एक्चुअली वो मटेरियल कॉन्शियसनेस की बात करते थे, वो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की बात करते थे, बोलते थे जिस तरह से आपका एग्जिस्टेंस में आपका मटेरियल वर्ल्ड है, यानी कि उन्होंने जैसे कि बिल्कुल अगर उनके देखे मटेरियल इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री, उन्होंने हिस्ट्री की जिस तरह से इंटरप्रिटेशन की, पहले आपका प्रिमिटिव कम्युनिज्म, उसके बाद स्लेवरी सिस्टम, उसके बाद फ्यूडल सिस्टम, उसके बाद कैपिटलिस्ट सिस्टम, फिर सोशलिस्ट होते हुए वो आते हैं आपके कम्युनिस्ट सिस्टम तक, ठीक है, तो ये है बिल्कुल, ये जो चीजें हैं वो इसके लिए करेक्ट था। चलिए आगे बढ़ते हैं, आज हम लोग थोड़ा डिस्कस कम करेंगे, चूंकि नेटवर्क का इशू है, पता नहीं प्रॉब्लम हो जाए, ये चीजें आप लोग के लिए है, इसको बार बार मैं इसलिए रखता हूँ चूंकि आप लोगों के माइंड में अच्छे तरीके से ये सारी चीजें याद हो जानी चाहिए, उनकी इंपॉर्टेंट बुक्स एंड इंपॉर्टेंट आइडियाज, ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। लेट मूव विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉल्स कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस, जो जॉन रॉल्स की जो कॉन्सेप्ट है जस्टिस की, वो मेनली किस आइडिया पे बेस्ड है, आपको बताना है, मैं आपको बोल दे रहा हूं, ओके ओके ओके, लेट्स गो, आई कैन सी दैट मनीषा, मानसी, सुनीता, नमन, श्रद्धा, मारिया, राहुल, अलका, जगदीप, विश्वजीत, शुभम, शान, सोनल, फोर्टीन हैज गिवन द करेक्ट आंसर एंड बाकी लोगों का ये आंसर गलत हो गया। गाइस द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन सी, ठीक है, डिफरेंस प्रिंसिपल, आपको पता है कि जॉन रॉल्स दो तरह के प्रिंसिपल की बात करते हैं, प्राइमरी गुड्स की बात करते हैं, नेक्स्ट जो है डिफरेंस प्रिंसिपल की बात करते हैं, ठीक है, प्राइमरी प्रिंसिपल में प्राइमरी गुड्स के तौर पे वो किसको शुरू रखते हैं, कौन बताएंगे, कार्ल मार्क्स प्राइमरी गुड्स में किन 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 चीजों की बात करते हैं, सबसे पहले प्राइमरी गुड्स की डिविजन होनी चाहिए, उनमें क्या क्या चीजें आती है, बिल्कुल लिबर्टी, इक्वालिटी, ऑनर, ठीक है, ये सारी चीजें जो है इसकी बात करते हैं, और उसके बाद बात करते हैं डिफरेंस प्रिंसिपल की, ठीक है, याद रखिए, ये बात करते हैं कि जो आपके लिस्ट एडवांटेज पोजीशन पे है, जो गरीब लोग हैं उनको पहले मदद करना चाहिए, तो ये सारी चीजें आप लोगों को पता होगा पहले से, इनकी इंपॉर्टेंट बुक्स जल्दी से राइट लिख दीजिए, इनकी इंपॉर्टेंट किताब कौन कौन सी इंपॉर्टेंट किताब है जॉन रॉल्स की, मेनली चार ही देखने को मिलती है, एक आपका ऐसे है पॉलिटिकल लिबरलिज्म 1993, बिल्कुल, और ए थ्योरी ऑफ जस्टिस द लॉ ऑफ द पीपल, बिल्कुल, जस्टिस एज फेयरनेस, पॉलिटिकल नोट मेटाफिजिकल, और फिर जस्टिस एंड फेयरनेस एरिया स्टेटमेंट, एक किताब आई थी, ठीक है, तो ये सारी चीजें आप लोग याद रखिए, एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है, चलिए ये चीजें यहाँ पे लिखी हुई है, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट, आपको पता है सत्यवीर की कथा एक इंपॉर्टेंट ट्रांसलेशन है गांधी जी का, और वो आपको बताना है कि वो किन की बुक की ट्रांसलेशन है, एक्चुअली में गांधी जी ने किसके बुक से वो लिखी है, मैं आपको बोल दे रहा हूँ, चलिए काफी सारे लोगों ने जल्दी से आंसर कर दिया है, बाकी लोग आंसर करें, वेरी गुड वेरी गुड, ओके 18 लोगों ने आंसर कर दिया है, चलिए सभी ने आंसर कर दिया, बहुत अच्छा, लेट्स गो फॉर द रिजल्ट, दिस टाइम आई कैन सी दैट टोटल 14 लोगों ने बिल्कुल करेक्ट आंसर किया है और बाकी लोगों ने करेक्ट आंसर नहीं किया है। गाइस जो सत्यवीर की कथा जो किताब ट्रांसलेट की गई थी महात्मा गांधी के द्वारा, वो प्लेटो की किताब थी,
रिपब्लिक उसको किया गया था, ठीक है। याद रखिए प्लेटो की जो डायलॉग्स की किताब थी उसको उन्होंने ट्रांसलेट किया था, और सत्यवीर की कथा एक किताब थी, ठीक है। प्लेटो की जो इंपॉर्टेंट किताब है रिपब्लिक, सिंपोजियम, लॉज, एपोलॉजी, क्रिटो, फेडो, ये सारी चीजें आप लोग याद रख सकते हैं। आप लोग ये बताएं कि उन्होंने एलेगोरी ऑफ केव का आइडिया किस बुक में दिया था। इन विच बुक प्लेटो गेव द आइडिया ऑफ एलेगोरी ऑफ द केव। जल्दी से, बिल्कुल मानसी ने सही लिखा, फेडो। वेरी गुड, वेरी गुड। फेडो जो किताब है फेडो, उसमें एलोग्री ऑफ केव की आइडिया थी। ओके, रूसो ने किस किताब के बारे में कहा था वो बेस्ट बुक ऑन द एजुकेशन है, बाय ऑन विच बुक, फॉर विच बुक रूसो हैज कमेंटेड, बेस्ट बुक ऑन एजुकेशन। बिल्कुल इसको याद रखिएगा। और किस बुक का एक उसका सब टाइटल है कंसर्निंग जस्टिस, एक ऐसा बुक है इनमें से जिसका नाम है सब टाइटल कंसर्निंग जस्टिस। बिल्कुल याद रखिएगा, द रिपब्लिक, द रिपब्लिक जो है उसका एक सब टाइटल है वो है कंसर्निंग जस्टिस। ये सारी चीजें ओके। ये बताइए कि प्लेटो ने जो एजुकेशन किया था, फिलोसफर किंग की जो एजुकेशन की बात की थी वो कितने साल तक की कंपलसरी एजुकेशन की बात की थी, ये कितने समय तक कंपलसरी एजुकेशन की बात की थी। बिल्कुल 50। वेरी गुड, वेरी गुड। ये सारी चीजें आप लोग याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। और भी सारी काफी सारी चीजें, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, आपको ये बताना है हीगल का जो कॉन्सेप्शन था हाईएस्ट पॉसिबल अचीवमेंट ऑफ माइंड एज एक्सप्रेस्ड इन द सोशल लाइफ वॉच इन, मतलब हीगल आपको पता है वो एक आइडियलिस्ट थिंकर थे, उन्होंने डायलेक्टिक फिलोसफी दिया, और उसके अनुसार उन्होंने ये बताया कि जो स्टेट है वो लाइक बेस्ट फॉर्म है, प्योर फॉर्म है, इसलिए हम लोगों को मानना चाहिए स्टेट जो है वो मार्च ऑफ गॉड ऑन द अर्थ है। तो उन्होंने किस स्टेट के बारे में कहा था, क्या वो पर्सुएन स्टेट के बारे में कहा था, रोमन के बारे में, एथेंस के बारे में, या ग्रेट ब्रिटेन के बारे में, आपको बताना है, मैं आपको बोल दे रहा हूँ। ओके, वेरी गुड। 17 हैज गिवन द आंसर, 18, दो लोग अभी बचे हुए हैं, चले टाइम भी खत्म, लेट्स मूव। तो दिस टाइम आई कैन सी दैट, तो देख लेते हैं, 13 हैज गिवन द करेक्ट आंसर, 13 लोगों ने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया है। शिवांगी, श्रद्धा, मानसी, मनीषा, सुनीता, राहुल, विश्वजीत, सोनल, शुभम, मारिया, शान, जगदीप एंड विकास, वेरी गुड। एंड बाकी लोग जो है वो इसका आंसर करेक्ट नहीं दे पाए हैं, ठीक है। तो जिन लोगों का आंसर गलत हो रहा है वो लोग याद रखिए, ठीक है। पोल नहीं आया, कोई बात नहीं, पोल नहीं आया, अपना आंसर इसमें लिख दीजिए, ए लिखे हैं, बिल्कुल करेक्ट। जो पर्सुएन स्टेट था, ठीक है, उसके बारे में हीगल ने ये कहा था, मतलब हीगल खुद यहीं से बिलोंग करते थे, वो भी खुद जर्मनी से थे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हीगल की इंपॉर्टेंट बुक आप याद रख सकते हैं, द फेनोमेनोलॉजी ऑफ माइंड, साइंस ऑफ लॉजिक, और एक है द फिलोसफी ऑफ राइट। ओके, ये बताइए सिस्टम ऑफ लॉजिक इनकी बुक है, हु रोट द बुक सिस्टम ऑफ लॉजिक, सिस्टम ऑफ लॉजिक किसकी बुक है। बिल्कुल जेएस मिल, जेएस मिल, इसको याद रखिएगा, जेएस मिल जो है, जॉन स्टुअर्ट मिल, उनकी किताब है द सिस्टम ऑफ लॉजिक, और एक किताब है आपका साइंस ऑफ लॉजिक, ठीक है, डू रिमेम्बर। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आपको इसका आंसर करना है, आप लोग क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लीजिए। ओके, जल्दी से आंसर करें आप लोग, 4, 3, 2, 1, लेट्स गो। मुझे लगता है काफी आसान क्वेश्चन है, दिस टाइम आई कैन सी दैट 14 अगेन हैज गिवन द करेक्ट आंसर, कॉन्ग्रेचुलेशन, द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, कैसे डी है देखते हैं, इससे आसान क्वेश्चन तो मिलेगा नहीं। जस्टिस एज वन पर्सन वन ड्यूटी वन क्लास वन वर्क की बात कौन करते हैं, तो आपको प्लेटो करते हैं, सबको पता है। जस्टिस एज फेयरनेस की बात कौन करते हैं, तो आपके जॉन रॉल्स करते हैं। जस्टिस एज प्रोपोर्शनल इक्वलिटी, इसकी बात कौन करते हैं, तो आपका एरिस्टोटल करते हैं। नेक्स्ट, जस्टिस एज द इंटरेस्ट ऑफ स्ट्रॉन्गर कौन करते हैं, तो ये आपके थ्रेसी ब्रेकर्स करते हैं, ठीक है। तो इससे आसान क्वेश्चन तो मिलेगा नहीं, लेकिन ऐसे क्वेश्चन को जिन लोगों का गलत हो रहा है प्लीज गलत मत कीजिए, ठीक है, गलत हो रहा है दैट मीन्स कि आपकी बहुत प्रिपरेशन बाकी है अभी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या आगे बढ़ा जाए, कैन वी मूव अहेड। आज मैं ज्यादा एक्सप्लेन इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि नेटवर्क बहुत इशू है, बारिश हो रही है, ठीक है, इसलिए आप लोग सोचिएगा मत सर आज एक्सप्लेन क्यों नहीं कर रहे हैं सारी चीजों को।
समझिएगा। चलिए ओके आगे बढ़ते हैं। आपका सेशन रीजन क्वेश्चन है, क्वेश्चन को ठीक से पढ़ लीजिए, मैं आपको पोल प्रोवाइड कर रहा हूँ, प्लीज लिसन रीड द क्वेश्चन केयरफुली। वेरी गुड, 18 हैज गिवन द आंसर, 19, 19 लोगों ने दे दिया आंसर, दो लोग अभी बचे हुए हैं, वेरी गुड, लेट्स गो। इस बार देखते हैं, फिर से 14 लोग, क्या बात है, 14 लोगों ने पढ़ के आए क्या, बाकी लोग बोले सर मेरा तो हैंड ओवर लाइक सरेंडर, नो गाइस, ओके वेरी गुड, 14 ने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया, करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, ए इज ट्रू और इज फॉल्स। बिल्कुल अभी हमने बात की है कि मार्क्स एक रिवोल्यूशनरी, आप सबको पता है कि मार्क्स की बात करते हैं कि जो कैपिटलिस्ट क्लास है उसको, जो प्रोलेटेरियन क्लास है उसको वो उखाड़ कर फेंक देंगे, ठीक है, दे विल ब्रिंग ए रिवोल्यूशन, ठीक है, जिसको प्रोलेटेरियन रिवोल्यूशन वो कहते हैं। नेक्स्ट जो है, मार्क्स वाज नॉट कंसर्न्ड अबाउट प्रोसेस ऑफ हिस्ट्री, ट्रू और इज फॉल्स। ओके जल्दी आवाज, ओके चलिए लेट्स गो फॉर द रिजल्ट दिस टाइम। श्रद्धा, मारिया, वेरी गुड, सुब्रांशु, नमन एंड शुभम, क्या बात है, मात्र 5 लोगों ने करेक्ट आंसर दिया, 8 लोगों ने बोला सर ऑप्शन नंबर बी, नो गाइस द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए। देखिए कैसे मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये तो बात सही है सर, दोनों स्टेटमेंट सही है। हम लोग अरिस्टोटल को फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस क्यों कहते हैं, क्योंकि जो प्लेटो ने जो बोलकर गए थे, जो आइडियलिस्टिक चीजें थी उसको अरिस्टोटल ने क्रिटिसाइज किया, नंबर एक उन्होंने क्रिटिसाइज किया, एंड नंबर दो उसके अल्टरनेटिव में जो एक बिहेवियरल चीजें हो सकती थी वो हमारे सामने लाइक अरिस्टोटल ने रखे, ठीक है, अरिस्टोटल ने फिजा बोल रहे हैं सर, अरिस्टोटल को इसलिए बोलते हैं क्योंकि उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन की क्लासिफिकेशन की, इट्स ओके फिजा, बट कुछ चीजें और है, सिर्फ उसके लिए नहीं बोलते हैं, ठीक है, सिर्फ उसके लिए नहीं कह सकते हैं क्योंकि अरिस्टोटल ने कई सारी चीजें दी है, अरिस्टोटल ने एक साथ कई सारी उनकी चीजें हैं, ठीक है सर, कहीं क्लासिफिकेशन ऑफ 158 कॉन्स्टिट्यूशन, कहीं आइडियलिज्म, कहीं कहीं खिचखिच, इसके लिए कंपैरेटिव पॉलिटिक्स फादर बोलते हैं। ओके ओके प्लीज वेट, देखिए इसमें कंफ्यूजन अगर है, ठीक है, तो प्लीज वेट, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, देखिए एक्चुअली अगर देखा जाए, ठीक है, ओके देखिए प्लेटो एंड अरिस्टोटल के बीच में अगर हम लोग खास करके डिफ्रेंशिएट करने की बात करें, ठीक है, तो हमें ये देखने को मिलता है कि जो प्लेटो है, ठीक है, उन्होंने कई सारी ऐसी बातें कही जो आपको आइडियलिस्टिक लगती है, जो यूटोपियन लगती है, नंबर एक, वहीं दूसरी तरफ अरिस्टोटल कई सारी ऐसी बातें कहते हैं जो आपको यूटोपियन नहीं लगती है, जो रियलिस्टिक है, ठीक है। दूसरी बात, अरिस्टोटल ने जो स्टडी किया वो साइंटिफिक अप्रोच के साथ किया, जो फीजा लिख रहे हैं सर, उन्होंने 158 का कॉन्स्टिट्यूशन का स्टडी किया, पॉलिटी की बात की, गोल्डन मीन की बात की, मिक्स्ड पॉलिटी गवर्नमेंट की बात की, तो ये सारी चीजें वहीं से आई जो उनकी साइंटिफिक अप्रोच थी क्रिटिक करते हुए प्लेटो की, ठीक है, वहीं से ये सारी चीजें निकल कर आई।
अच्छा ठीक है, मैं राहुल उसको मैं दे दूंगा, ठीक है। आप बोल रहे हैं सर लिस्ट दे दीजिए, मैं दे दूंगा, ठीक है, वो लिस्ट भी है मेरे पास। ओके चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर वन, मतलब इसका ऑप्शन वन सही है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, आपको बताना है कौन सा इनमें से करेक्टली मैच नहीं है। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। क्वेश्चन को आई होप ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन थोड़ा सा नया हो सकता है, मैं आपको बोल दे रहा हूँ। आई नो दिस इज न्यू क्वेश्चन फॉर मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स हु आर प्रेजेंट हियर, एंड काफी सारे लोगों के लिए नया क्वेश्चन हो सकता है। चलिए, सभी लोगों ने आंसर कर दिया है, दो लोग बचे हुए हैं। ओके लेट्स गो। तो दिस टाइम देखिए, फिर से दो लोगों ने करेक्ट आंसर दिया है, फ्रीजा एंड मारिया, बाकी लोगों का इसका आंसर गलत हो गया। गाइस द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। जो कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलिटिकल फॉर्मूला है वो मिल्स नहीं दिया है, किसने दिया है कोई बताएंगे? हु गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलिटिकल फॉर्मूला? पैरेटो? नो, बिल्कुल श्रद्धा से लिख रहे हैं मॉस्का, ठीक है मॉस्का। इसके बारे में यहाँ पे सारी चीजें लिखी हुई है। द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलिटिकल फॉर्मूला इज रिलेटेड टू मॉस्का, द इलिट ऑर्डिनरी फंक्शन अकॉर्डिंग टू ए पॉलिटिकल फॉर्मूला इज मॉस्का टर्म इज वॉट मेक्स इट रूल इफेक्टिव एंड एक्सेप्टेबल टू द मासेस, ठीक है। याद रखिए जो पॉलिटिकल फॉर्मूला का जो कॉन्सेप्ट है वो आपका मॉस्का से कॉन्सेप्ट रिलेटेड है, एंड बाकी जो है जैसे कि द कॉन्सेप्ट ऑफ रेसिड्यू ये आपका पैरेटो से है, द कॉन्सेप्ट ऑफ मास माइंड ये आपका माइकल से है, रॉबर्ट माइकल्स, उनकी इंपॉर्टेंट किताब के नाम आप लोग लिख दीजिए जल्दी से, और जो द थ्योरी ऑफ मासेस जो है वो है गैसर से, ठीक है बस इतना याद रखिए। ओके इंपॉर्टेंट बुक जो है वो क्या है, उसका पूरा नाम, उसका पूरा नाम कितने को याद है? पॉलिटिकल पार्टीज, उसका पूरा नाम याद है क्या? ए सोशियोलॉजिकल स्टडी ऑफ द ओलिगार्किकल टेंडेंसी इन मॉडर्न डेमोक्रेसी, ऐसे कुछ करते हैं, ए सोशियोलॉजिकल समथिंग लाइक दैट, ठीक है। चलिए वो याद कर लीजिएगा। वो बुक कब आई थी, पब्लिशन ईयर बताइए जल्दी से, पब्लिशन ईयर कब आई थी वो? 1911, वेरी गुड मनीषा, 1911, ठीक है। ए सोशियोलॉजिकल स्टडी ऑफ द ओलिगार्किकल टेंडेंसी इन मॉडर्न डेमोक्रेसी, ऐसा समथिंग है बुक का नाम, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव अहेड। Whom did Machiavelli blame for the moral degradation of Italy? ठीक है? Okay, Rahul, मैं उसको explain करूंगा, ठीक है? इसको पहले answer कीजिए। Whom did Machiavelli blame for moral degradation of Italy? चलिए 13 लोगों ने बिल्कुल करेक्ट आंसर दे दिया अभी तक, मतलब आंसर दे दिया है, सॉरी। चलिए जल्दी जल्दी से मैं सोच के, तो आंसर सोच लीजिए आप लोग भी। ओके चलिए, ओके देखा जाए इस बार। I can see that 12 has given the correct answer. और ये क्या हुआ, 4, 2, 6, 1, 7, 7 लोगों ने इसका आंसर गलत किया है, मतलब जितने भी लोगों ने इनका आंसर गलत किया है दैट मीन्स कि उन लोगों ने इसको, मैकियावेली ने किसको क्रिटिक किया था, क्या वो कभी भी रिलीजन को क्रिटिक किया था? उन्होंने कभी रिलीजन को क्रिटिक नहीं किया, उन्होंने हमेशा से चर्च को क्रिटिक किया था, ठीक है, क्रिश्चियनिटी को क्रिटिक किया था। ओके सुषमा, कोई बात नहीं, ठीक है। तो जिनका भी जान, मतलब अगर नहीं पता था तो वो अच्छी बात नहीं है, ठीक है, आप लोग अच्छे से पढ़िए थिंकर्स को। इसका जो करेक्ट आंसर होगा द चर्च, ठीक है। बोलते हैं कि इटली जो टूट गया, इटली जो 5 भाग में बट गया, वो किसका करा धरा है? वो आपका चर्च का किया हुआ है, ठीक है, इसलिए वो चर्च को क्रिटिक करते थे, और उन्होंने लाइक चर्च से यानी कि रिलीजन से एंड आपका मोरालिटी इथिक्स से दोनों को, पॉलिटिक्स को सेपरेट करने की भी काम की, इसलिए इसको फादर ऑफ मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस भी कहा जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और भी चीजें देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लीजिए, मैं पढ़ूंगा तो फिर पढ़िए। ये क्वेश्चन मुझे लगता है कि बहुतों के लिए नया होगा। दस लोगों ने आंसर दिया, बाकी लोग
ओके जल्दी से आंसर कीजिए, सोचना क्या है, देखना है, टिक लगाना है। चलिए दो लोग अभी, एक लोग अभी बच गए। चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इस बार रिजल्ट क्या बात है। सुनीता, श्रद्धा, मानसी, मनीषा, मारिया, सुषमा एंड सान, सेवन हैज गिवन द करेक्ट आंसर। सात लोगों ने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया है, वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशन। ठीक है, तो करेक्ट आंसर जो इसका है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी, कौन लिख रहे हैं, बिल्कुल वेरी गुड मारिया, पेपर टाइगर। उन्होंने अमेरिका को पेपर टाइगर कहा था। क्या बात है, चलिए सबको याद है, क्वेश्चन पता है, मुझे लग रहा था क्वेश्चन नया होगा आप लोगों के लिए, बट ऑल ओके। ठीक है, बहुत अच्छा। ओके, कुछ चीजें जो यहाँ पे आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, जैसे कि रेवोल्यूशन को किसने ये कहा। भाई रेवोल्यूशन यानी क्रांति जो है वो कोई डिनर पार्टी नहीं है, चलो खा लिए और आराम किए, उस वैसा कुछ नहीं होता है। रेवोल्यूशन का मतलब अलग चीजें हैं। ठीक है, उसी तरह से आपकी माओ जेडोंग ने क्या कहा, रेवोल्यूशन जो है वो रेगुलर रेवोल्यूशन की बात की। वो बोलते हैं क्रांति हमेशा चलते रहती है और चलते रहेगा, ये कभी खत्म नहीं हो सकता। ओके, उन्होंने यह कहा पावर फ्लोज फ्रॉम द बैरल ऑफ द गन। ठीक है, पावर जो है वो बंदूक की नाली से निकलती है। ठीक है, लेकिन उन्होंने ये यहाँ पे एक एटम बम को उन्होंने पेपर बम कहा था। ठीक है, ये सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई है, आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है असर्शन रीजन की, आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए, मैं पोल प्रोवाइड कर रहा हूँ। चलिए तो 15 लोगों ने आंसर कर दिया है, बाकी लोग जल्दी से बताएं। 16, 5 सेकेंड, 4 सेकेंड, 3, 2, 1, गो। क्या बात है, दिस टाइम मारिया वेरी गुड, रोहित, शुभम, राहुल, फिजा, मानसी, सुनीता, मनीषा, शान, श्रद्धा, 10 लोगों ने बिल्कुल करेक्ट आंसर किया है एंड बाकी लोग जो हैं उनका आंसर इस बार करेक्ट नहीं हो पाया। कोई बात नहीं, जिनका गलत हुआ है ध्यान समझ लीजिए। हम लोग जानते हैं सर कार्ल मार्क्स जो है उन्होंने ये कहा था कि कौन कौन यूटोपियन सोशलिस्ट है, कौन कौन यूटोपियन सोशलिस्ट है, हु आर द यूटोपियन सोशलिस्ट, कल्पना लोकीय समाजवादी, चार्ल्स फूरियर, रॉबर्ट ओयन, साइन साइमन। बिल्कुल ये इनको याद रखिए आप लोग। ठीक है, दीज आर इम्पॉर्टेंट, बिल्कुल। ठीक है, अब आगे हमें देखने को मिलता है सेकंड स्टेटमेंट कि रॉबर्ट ओवेन जो है वो मार्क्सिस्ट थिंकर कैसे हो जाएंगे। रॉबर्ट ओवेन तो पहले आए थे, ठीक है, तो मार्क्सिस्ट थिंकर नहीं हो सकते, इसलिए इसका करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, ये सोशलिस्ट हो सकता है, इनको यूटोपियन सोशलिस्ट कहा जा सकता है, बिल्कुल सोशलिस्ट भी कहा जा सकता है। ठीक है, ओके, इनको यूटोपियन सोशलिस्ट क्यों कहे थे, अगर ऐसा क्वेश्चन आए व्हाई कार्ल मार्क्स कॉल्ड इन यूटोपियन सोशलिस्ट, वो सोशलिस्ट भी नहीं है बल्कि वो सपना देख रहे हैं, क्यों, बिकॉज दे वेर नॉट ईगर टू सॉल्व द प्रॉब्लम, दे सिंपली सी द प्रॉब्लम, लीव द प्रॉब्लम। उन्होंने जो प्रॉब्लम देखा बस उसमें वो लोग, बिल्कुल उन्होंने सिर्फ बातें की, उन्होंने सिर्फ बातें की, प्रैक्टिस में उसको नहीं लेकर आए। बिल्कुल आगे बढ़ते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हु सेड माई ओन एग्जिस्टेंस इज ए सोशल एक्टिविटी एंड माइंड आर सोशल इन देयर कंटेक्स्ट एज वेल एज इन देयर ओरिजिन दे आर सोशल एक्टिविटी एंड सोशल माइंड, किसने कहा था। टेन सेकेंड्स रिमेनिंग, दिस टाइम मारिया, शुभ्रांशु, शुभम एंड श्रद्धा, फोर हैज गिवन द करेक्ट आंसर। चार लोगों ने करेक्ट आंसर दिया है, इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा कार्ल मार्क्स। ठीक है, कार्ल मार्क्स ने स्टेटमेंट दिया है कि मेरा जो एग्जिस्टेंस है वो एक सोशल एक्टिविटी है, माइंड आर सोशल इन देयर कंटेक्स्ट एज वेल एज इन देयर ओरिजिन। जो हमारा माइंड होता है वो सोशल, ऐसे वो इस क्वेश्चन का आप लोग लाइक लॉजिक से आंसर कर सकते थे। कौन ये बोलते हैं कि हम जो भी है वो सोसाइटी की वजह से है, हम जिस कंडीशन में रहते हैं हम उसकी देन है। ऐसा तो आपके जेस मिल नहीं करते हैं, हीगल भी ऐसा कुछ नहीं बोलते हैं, कार्ल मार्क्स इसकी बात करते हैं, सब लोगों को पता है। ठीक है, तो इसका आंसर जो होगा वो आपका कार्ल मार्क्स है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हु सेड जीन जैक्स रूसो इज द फादर ऑफ जैकोबियन डेस्पोटिज्म ऑफ
सिजीरियन डिक्टेटरशिप एंड इंस्पायरर ऑफ द एब्सोल्यूट डॉक्ट्रिन ऑफ कांट एंड हिगल, ये किसने कहा है? आपको मैं पोल प्रोवाइड कर रहा हूं। चलिए 14 लोगों ने आंसर कर दिया। किसी ने हैंड रेज किया है, क्या कोई इश्यू है? पोल नहीं दिखी गया। चलिए 5 4 3 2 1 गो। दिस टाइम मनीषा, हर्षा, मानसी, सुनीता, रोहित, विश्वजीत, शिवांगी, फिजा, मारिया, क्या बात है? 9 हैज गिवन द करेक्ट आंसर एंड द करेक्ट आंसर इज डिबेट। ठीक है, जो डिबेट है उन्होंने ये बात की। चलिए थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं जीन जैक्स रूसो को। तो बताइए आप लोग जीन जैक्स रूसो को आप लोग कैसे जानते हैं? व्हाट आर द थिंग्स यू रिमेंबर अबाउट जीन जैक्स रूसो? क्या क्या चीजें आपको इनके बारे में याद आती है? नाम सुने जीन जैक्स रूसो, जनरल विल की बात, बिल्कुल। टेलियल टेक्नोलॉजी साइंस क्रिटिसाइज, बिल्कुल, इन्होंने साइंस को आर्ट को भी क्रिटिक किया था, ईमेल इनकी किताब थी। इक्वालिटी की इन्होंने बात की, बैक टू द नेचर की बात की, सोशल कॉन्ट्रैक्ट की बात की, कन्फेशंस इनकी किताब थी, नॉवेल सीवेज इन्होंने कहा था लोगों को, बिल्कुल। फादर ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन कह सकते हैं, फोर रनर ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन कह सकते हैं, इंस्पायरर ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन कहा जा सकता है, ठीक है, बिल्कुल। ओरिजिन ऑफ इनइक्वालिटी की बात की, डिस्कोर्सेस ऑन आर्ट एंड साइंस की बात की, फर्स्ट प्राइज इन्होंने जीता था एकेडमी ऑफ डिजाइन के एक एसे राइटिंग कंपटीशन में ऑन द डिस्कोर्सेस ऑन द आर्ट एंड साइंस के लिए, ठीक है, बिल्कुल। और क्या चीजें याद आती है? और कुछ याद आती है क्या? बैक टू द नेचर, डायरेक्ट डेमोक्रेसी, पॉपुलर सोवरेनिटी, ठीक है, जनरल विल, एक्चुअल विल, रियल विल, फोर्स टू बी फ्री, बिल्कुल, आपको बाध्य स्वतंत्र होने के लिए बाध्य किया जाएगा, ये बातें किसने कही? तो इन्होंने कही थी। जो ब्रिटिशर्स होते हैं, वो 5 साल में एक बार फ्री होते हैं, कब? जब वो सिर्फ वोटिंग का टाइम आता है, उसके बाद वो सब बंद रहते हैं बक्से में। ये किसने कहा? तो वो आपके रूसो ने कहा था। रूसो ने रिपब्लिक जो बुक है उसके बारे में यह कहा कि वो बेस्ट बुक ऑन एजुकेशन है, ठीक है, ये सारी चीजें। तो आई होप इतनी सारी चीजें आप लोगों को याद हमेशा मुंह पे रहनी चाहिए, ठीक है। चलिए, इनकी जो एक इंपॉर्टेंट किताब है सोशल कॉन्ट्रैक्ट, बिल्कुल, डायरेक्ट डेमोक्रेसी भी इनको कहा जाता है। ओके, डायरेक्ट डेमोक्रेसी के 3 इंपॉर्टेंट पिलर्स है, कौन कौन से हैं? व्हाट आर द 3 इंपॉर्टेंट पिलर्स? बिल्कुल, कॉन्वेंशनल इक्वालिटी एंड आई थिंक क्या था उसका नाम, कुछ था एक ऑर्डर, बिल्कुल, प्लेबिसाइट, रिकॉल, रेफरेंडम, ठीक है, ये कुछ टर्म्स है जो आपके एसोसिएटेड है, याद रखिएगा। इलेक्शन डायरेक्ट डेमोक्रेसी से एसोसिएटेड नहीं है, ठीक है, इलेक्शन एसोसिएटेड नहीं है, बिल्कुल। नेचुरल इनइक्वालिटी और कन्वेंशनल इनइक्वालिटी के बीच में इन्होंने डिफरेंशिएट किया कि आप जो भी हो उसमें 2 तरह की इनइक्वालिटी हो सकती है। एक, या तो आप जन्म से आपको मिला है, जैसे कि आप बॉयज हो गर्ल्स हो, आपके बीच में जो डिफरेंशिएशन है वो नेचुरल है, लेकिन अगर आप इस अर्थ पे अमीर हो गरीब हो, ठीक है, ये आपका कॉन्वेंशनल इनइक्वालिटी है, ठीक है, उन्होंने इसके बीच में डिफरेंशिएट किया था, ये सारी चीजें आप लोग याद रखिएगा। चलिए कार्ल पॉपर को थोड़ा सा रिविजन कर लेते हैं। हाउ डू यू नो कार्ल पॉपर? बिल्कुल, मनुष्य जन्म तो स्वतंत्र लेते हैं किंतु सामाजिक बंधनों में बंधे रहते हैं, बिल्कुल, सोशल कॉन्ट्रैक्ट 1962 में आई थी। ओपन सोसाइटी, इनेमी ऑफ द ओपन सोसाइटी के बाद कौन करते हैं? कार्ल पॉपर। किनको इन्होंने कहा? कार्ल पॉपर कॉल्ड हुम लाइक इनेमी ऑफ ओपन सोसाइटी, बिल्कुल, इन्होंने फॉल्सिफिकेशन की बात की, पॉवर्टी, हीगल को, प्लेटो को और कार्ल मार्क्स को, ठीक है, याद रखिए। ये 3 ऐसे थिंकर हैं, बाकी लोग जो जिनके लिए नए हैं वो लोग याद रखिए। कार्ल पॉपर ने ये कहा कि जो हीगल है, जो प्लेटो है, जो कार्ल मार्क्स है, वो क्लोज सोसाइटी की बात करते हैं, वो सोसाइटी को ओपन अप करने की बात नहीं करते हैं, ठीक है, बिल्कुल। थ्योरी ऑफ इंक्रीमेंटल चेंज किसने दिया? तो आपके कार्ल पॉपर ने दिया। थ्योरी ऑफ फॉल्सिफिकेशन किसने दिया? किसने दिया? तो कार्ल पॉपर ने दिया। सोशल इंजीनियरिंग की भी बात करते हैं, बिल्कुल, ये सारी चीजें आप लोग याद रख सकते हैं, बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक एक थिंकर ने अगर देखा जाए तो बहुत सारी चीजें हम लोग रिविजन कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग मेड द स्टेट ए मोरल इंस्टीट्यूशन विथ ए मोरल एंड? ये मोरल इंस्टीट्यूशन एंड मोरल एंड की बात, इनमें से कौन ऐसे एक थिंकर है जो करते हैं, आपको बताना है। चलिए, ये कॉमन सेंस का आंसर है, अगर कॉमन सेंस लगा लिए जो भी उनका करेक्ट हो जाना है। इनमें से कौन एक दयालु है? चलिए इससे ज्यादा हिंट नहीं दे सकते। ओके, चलिए अब देखते हैं रिजल्ट। दिस टाइम
श्रद्धा, हर्षा, वेरी गुड, मनीषा, सोनल, शान, दीचा, सुषमा, विश्वजीत, मानसी, रोहित, सुनीता, राहुल, मारिया, क्या बात है, 13 हैज गिवन द करेक्ट आंसर, बाकी लोगों का आंसर गलत हो गया। कोई बात नहीं, जिनका आंसर गलत हो गया वो लोग ध्यान से समझ लीजिए इसको। इसका जो करेक्ट आंसर, ऐसे आप इसमें कॉमन सेंस लगा सकते थे, कौन स्टेट को रेस्पॉन्सिबल बनाना चाहते थे, स्टेट के बारे में किसने कहा कि आप मॉरल एंटिटी हो, आपको लोगों की हेल्प करनी चाहिए, तो ये जेएस मिल ही तो है। जेएस मिल नहीं तो सबसे पहले बोल सकते हैं नेगेटिव लिबर्टी से पॉजिटिव लिबर्टी की तरफ एक अपना कदम बढ़ाए थे, ठीक है, जिसके बाद टीएच ग्रीन आते हैं, आपके हॉबॉस आते हैं, ठीक है, ये सारे थिंकर्स। तो जेएस मिल इंपॉर्टेंट, चलिए जेएस मिल को आप लोग कैसे जानते हैं, हाउ डू यू नो जेएस मिल, जेएस मिल से रिलेटेड कौन कौन सी चीजें याद आती है, हार्वर्ड प्रिंसिपल, वेरी गुड, सेल्फ रिगार्डिंग अदर रिगार्डिंग एक्शन, सिस्टम ऑफ लॉजिक किताब जो थी, बिल्कुल, और क्या याद आता है, क्वालिटेटिव डिफरेंस ऑफ लाइक यूटिलिटेरियनिज्म, बिल्कुल बिल्कुल, इन्होंने रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट की बात की, वेरी गुड, इन्होंने मल्टीपल वोटिंग की बात की, प्लूरल वोटिंग की बात की, ठीक है, प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी इन्होंने किताब लिखा था, ऑन लिबर्टी इनकी किताब थी, सब्जेक्शन ऑफ वुमेन किताब थी, इनकी वाइफ का नाम क्या था, हैरियट टेलर मिल, उनके साथ इन्होंने मिलकर काम किया, ठीक है, सब्जेक्शन ऑफ वुमेन तो किताब थी, ओपन बैलोट, बिल्कुल, इन्होंने ओपन बैलोट का सपोर्ट किया था, क्योंकि आपके बेंथम जो थे वो इनके टीचर थे और वो सेक्रेट बैलेट की बात करते थे, लेकिन इन्होंने यह कहा कि क्या होनी चाहिए, ओपन बैलेट सिस्टम होनी चाहिए, जो चुनाव होना चाहिए वो ओपन होना चाहिए, बिल्कुल, प्लूरल वोटिंग की बात, ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है वो आपके जेएस मिल से इंपॉर्टेंट है, जेएस मिल से पूछी जाती है, ठीक है। चलिए यहाँ पे बताइए आप लोग बेंथम को कैसे जानते हैं, हाउ डू यू नो बेंथम, जेएस मिल को लास्ट यूटिलिटेरियन भी कहते हैं, याद रखिएगा, लास्ट यूटिलिटेरियनिज्म, हाँ बिल्कुल बिल्कुल सुषमा, आप सही लिख रहे हैं, वो उन्होंने मैकियावेली ने कहा था, एक व्यक्ति जो है वो अपने पिता की मृत्यु को भूल सकता है लेकिन उसकी संपत्ति को नहीं। चलिए तो हमें देखने को मिल रहा है, चलिए बिल्कुल, यूटिलिटेरियन फादर ऑफ यूटिलिटेरियन मतलब उपयोगितावाद के पिता, ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर की बात कौन करते हैं, वन वोट वन पर्सन की बात कौन करते हैं, मतलब वन मैन वन वोट की बात कौन करते हैं, तो आपके बेंथम करते हैं। फ्रेगमेंट्स ऑफ गवर्नमेंट किताब है, उन्होंने लिखा है, और प्रिंसिपल्स ऑफ मोरल एंड लेजिस्लेशन की बात वो करते हैं, ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर की बात करते हैं, ये एक लीगल सोवेरिटी की बात करते हैं, ठीक है, ये लीगल सोवेरिटी की बात करते हैं, फिलोसफी कैलकुलस की बात करते हैं, ठीक है, बिल्कुल, राइट्स आर क्रिएशन ऑफ द मैन, क्रिएशन ऑफ द स्टेट, ठीक है, बिल्कुल लीगल सोवेरिटी, वही मैं बोल रहा था, ठीक है। अब इसके बाद एक चीज और, ओके बिल्कुल बिल्कुल, वेरी गुड, मारिया ने सही लिखा सर, नेचुरल राइट्स आर नॉनसेंस अपॉन स्लेट्स, ये कौन बोलते हैं, तो आपके लाइक बेंथम बोलते हैं, ठीक है, बिल्कुल, नेचुरल राइट को इन्होंने क्रिटिक किया, जो जॉन लॉक ने कहा था राइट टू लाइफ लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी, ठीक है, इसकी आपको नेचुरल राइट मिली हो, इसकी आपको कोई नहीं छीन सकता है, तो बेंथम ने कहा ये एक नॉनसेंस है, एक बकवास है, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, ठीक है, ये चीज। चलिए मैकियावेली से क्या याद आता है, मैकियावेली को भी खत्म कर ही लिया जाए जल्दी से, व्हाट डू यू नो अबाउट मैकियावेली, हालांकि थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था अभी, प्रिंस उनकी किताब का नाम है, वेरी गुड, लॉरेंजी डी मेडिसी को इन्होंने प्रिंस को सौंपा था किताब को, ठीक है, ये फ्लोरेंस नामक शहर में जन्मे थे, इन आर्ट ऑफ वॉर इनकी किताब है, इनको इटालियन कॉटिली भी कहा जाता है, बिल्कुल, फादर ऑफ मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस कहा जाता है, बिल्कुल, इन्होंने चर्च को क्रिटिसाइज किया था, इसके बाद बिल्कुल फॉर्चुना का कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया था, इन्होंने सेपरेट किया था आपके एथिक्स को पॉलिटिक्स को एथिक्स एंड रिलीजन से, फादर ऑफ यूरोपियन रिनेसा भी कहा जाता है, बिल्कुल सेकुलरिज्म की ये करते हैं, ठीक है, मूडी वुमेन की बात करते हैं, बिल्कुल, जिन्होंने फॉर्चुना से बात की है, लायन एंड फॉक्स थ्योरी की बात करते हैं, बोलते हैं जो राजा होना चाहिए उसे लायन एंड फॉक्स दोनों का प्रॉपर्टी रखना चाहिए, राजा जो होना चाहिए उसको क्या करना चाहिए, लाइक मोरलिटी का दिखावा करना चाहिए लेकिन मोरलिटी को फॉलो नहीं करना चाहिए, बिल्कुल स्वीजा ने सही लिखा, ड्यूअल मोरलिटी की बात करते हैं कि आप जो दिख रहे हो एक्चुअली वैसा होना नहीं चाहिए, ठीक है, आपको दिखना अच्छा होना चाहिए, बिल्कुल, इनसे फिर क्या हुआ आपके विल्फ्रेड पैरेटो जो सर्कुलेशन ऑफ एलीट का कॉन्सेप्ट देते हैं, उन्होंने क्या किया आपका लाइक लायन एंड फॉक्स थ्योरी को उन्होंने अडॉप्ट किया और फिर उन्होंने रूलिंग एंड नॉन रूलिंग क्लास के बीच में उन्होंने ये बात की, ठीक है, बिल्कुल यूनिफिकेशन ऑफ इटली की बात की, एंड इन्होंने यह कहा कि एंड जस्टिफाइज द एंड, यानी कि एंड जस्टिफाइज द मीन्स, सॉरी एंड जस्टिफाइज द मीन्स, यानी कि आप अपने जीवन में फाइनली क्या किए हो वो मायने रखता है, आप किस माध्यम से उसको पाए हो वो मायने नहीं रखता है, ठीक है, एंड इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल, तो ये सारी चीजें आपके मैकियावेली से इंपॉर्टेंट है, द प्रिंस डिस्कोर्सेस ऑन द डिस्कोर्सेस ऑन लिवी, हिस्ट्री ऑफ फ्लोरेंस, आर्ट ऑफ वॉर आर इंपॉर्टेंट बुक्स ऑफ योर मैकियावेली, ठीक है, तो ये सारे थिंग्स जो है वो आपके मैकियावेली से इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, एग्जाम में कुछ भी आए इससे रिलेटेड तो आपको परेशान नहीं होना है, ठीक है, ओके, कुछ और चीजें छूट रही है, मैकियावेली ने सबसे पहले नेशन स्टेट की बात की, इन्होंने स्टेट टर्म को क्वाइन किया,
इफ आई एम करेक्ट, मैकियावेली थे ना? यस, मैकियावेली थे। चलिए बिल्कुल, चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत सारी चीजें इसमें हो गई, आप लोग बोलेंगे सर एक स्लाइड में आप तो पूरा खत्म कर रहे हैं। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको मैच करना है, मैं आपको बोल दे रहा हूँ, ये आसान क्वेश्चन है, इसका गलत नहीं होना चाहिए। चलिए मैं आपको बोल दे रहा हूँ, चलिए लेट्स वेट फॉर द रिजल्ट। 16 लोगों ने आंसर कर दिया है, 4 लोग सोच रहे हैं। सोचिए सोचिए, जल्दी जल्दी सोचिए, इतना टाइम नहीं लगाना है। ओके, सुनीता, नमन, मनीषा, मानसी, मारिया, रोहित, फिजा, राहुल, शुभम, विश्वजीत, सुषमा, सोनल, रीचा, शिवांगी, श्रद्धा, शान, क्या बात है, 16 लोगों ने करेक्ट आंसर दिया। कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू, वेरी गुड। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन ए होगा, ठीक है? ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए तो आप मुझे आप लोग क्लियरली सुन पा रहे हैं? सब कुछ ठीक है ना? इज इट ओके? सब कुछ ठीक है? ओके, थैंक यू थैंक यू। चलिए मुझे बीच बीच में लगता है कि क्या हो गया, मतलब चलिए ठीक है। तो बात कर लेते हैं, आसान क्वेश्चन था भाई, माओ जेडोंग किसे एसोसिएटेड है, तो वो आपके बात करते हैं कल्चरल रेवोल्यूशन की 1966, ठीक है। इसके बाद आपका आता है लेनिन, लेनिन क्या कहते हैं, उन्होंने ये बोलते हैं कम्युनिस्ट पार्टी जो है वो वैनगार्ड ऑफ द प्रोलेटेरिएट है, जो प्रोलेटेरिएट क्लास है, जो मजदूर क्लास है, वो क्या है, वो उनके संरक्षक है आपकी कम्युनिस्ट पार्टी। इसके बाद आपके आते हैं कार्ल मार्क्स, वो बोलते हैं प्रोलेटेरियन डिक्टेटरशिप की बात करते हैं, ठीक है, सर्वहारा वर्ग का अधिनायकवाद जिसको हिंदी में कहते हैं। नेक्स्ट आपका स्टालिन है, स्टालिन किसकी बात करते हैं, तो वन सोशलिज्म इन वन कंट्री, वन कंट्री सोशलिज्म की आइडिया वो देते हैं। चलिए तो आप लोग जल्दी से बता दीजिए माओ जेडोंग के बारे में, व्हाट डू यू नो अबाउट माओ ज़ेडोंग? नो वॉइस, एम आई ऑडिबल? विश्वजीत लिख रहे हैं सर आवाज नहीं आ रही है। ओके प्रॉब्लम होने लगी लगता है। ओके चलिए चलिए, मुझे लगता है ठीक है सब कुछ। ओके ठीक है, थैंक यू। ओके तो माओ ज़ेडोंग की मैं बात कर रहा था, देखते हैं कौन कौन क्या क्या लिखे हैं। इंपेरियलिज्म इज द हाईएस्ट स्टेट ऑफ कैपिटलिज्म, ये आपका लेनिन का है, ठीक है, लेनिन की किताब है ये। पाम थ्योरी, बिल्कुल थ्योरी ऑफ पाम एंड फाइव फिंगर, रेड आर्मी की बात वो करते हैं। इसके बाद न्यू डेमोक्रेसी का आइडिया देते हैं, बिल्कुल कॉन्टिन्यूस या रेगुलर रेवोल्यूशन की वो बात करते हैं। गुरिल्ला वॉरफेयर किताब लिखते हैं, ऑन कॉन्ट्राडिक्शन ऑन प्रैक्टिस। आवाज नहीं आ रही है, कुछ लोग बोल रहे हैं सर प्रॉब्लम है, प्लीज रीज्वाइन। बाकी लोग जिनको प्रॉब्लम हो रही है, जल्दी से रीज्वाइन कर लीजिए। बिल्कुल ग्रेट लीप फॉरवर्ड थ्योरी ऑन प्रैक्टिस ऑन कॉन्ट्राडिक्शन, ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट थिंकर हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं आपके लेनिन, लेनिन की अगर बात की जाए तो ये इनसे बिल्कुल ऑन कोलिजनल गवर्नमेंट की किताब थी, बिल्कुल मानसे सही लिख रहे हैं आप, ठीक है। चलिए लेनिन को कैसे जानते हैं, व्हाट डू यू नो, हाउ डू यू नो अबाउट लेनिन? इंपेरियलिज्म द हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म, ठीक है, वैनगार्ड ऑफ द प्रोलेटेरियट की बात करते हैं ये, ठीक है। ये रशियन रेवोल्यूशन के फाउंडिंग फादर की बात करते हैं, किसान को इन्होंने, ओके बिल्कुल एक चीज छूट गया था, किसान की बात कौन करते हैं, जैसे कि आपका माओ ज़ेडोंग जो है, माओ ज़ेडोंग उन्होंने वर्कर्स के साथ साथ किसान को इसमें ऐड करने की कोशिश की, ठीक है, किसान को भी इस रेवोल्यूशन में लाने की बात की, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। बिल्कुल व्हाट इज टू बी डन, ये कुछ इंपॉर्टेंट किताब है, व्हाट इज टू बी डन स्टेट एंड रेवोल्यूशन। नेक्स्ट आपका इंपीरियलिज्म द हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म, दीज आर इंपॉर्टेंट बुक ऑफ योर लेनिन, ठीक है। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। स्टालिन जो है खास करके सोशलिज्म इन वन कंट्री के लिए फेमस है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव अहेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग पढ़ लीजिए अच्छे से, मैं आपको बोल दे रहा हूँ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्लीज रीड केयरफुली,
चलिए 5 more seconds आर रिमेनिंग. चलिए मुझे लगता है टाइम कम कर गया क्या, टाइम कम पड़ गया क्या. चलिए मारिया, शिवांगी, रोहित, फिजा, रिचा, सान, शुभम, 7 हैज गिवन द करेक्ट आंसर. वेरी गुड, कांग्रेचुलेशन. द करेक्ट आंसर इज, करेक्ट आंसर इज, बाकी लोग जिन्होंने आंसर नहीं किया वहां कमेंट में जल्दी से करें, क्या लगता है आंसर क्या होगा. आप लोगों को पता चल गया होगा द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी. ठीक है, इसका डी जो ऑप्शन है वो इसका करेक्ट आंसर होगा. कैसे, नंबर एक देखते हैं. द क्लासिफिकेशन ऑफ गवर्नमेंट वाज बेसिस ऑन द नंबर ऑफ पीपल इन्वॉल्व इन द टास्किंग ऑफ गवर्नमेंट. बिल्कुल, जैसे कि इन्होंने क्लासिफिकेशन जो की है एरिस्टोक्रेसी, मोनार्की और जो आपका डेमोक्रेसी या तो फिर आपका जो ये ऑप्शन है लाइक पॉलिटी, इसके बाद ऑप्शन नंबर 2 भी क्लियर होगा. ठीक है, ऑप्शन नंबर 3. ओके, सी क्या है. द गवर्नमेंट इज मोर इफेक्टिव एंड स्टेबल व्हेन रूलर्स गवर्न इन द लॉन्ग इंटरेस्ट. इसका मतलब क्या है कि वो राजा जो सबके भलाई के लिए और लंबे सोच के साथ जो शासन करता है वो सबसे बेस्ट गवर्नमेंट होता है. ठीक है, वैसा गवर्नमेंट नहीं चाहिए जो आज है कल गया, मतलब समथिंग लाइक दैट. अरिस्टोटल इसी चीज की बात करते हैं, पब्लिक इंटरेस्ट में काम अगर कोई भी आपके गवर्नमेंट कर रहे हैं तो लॉन्ग इंटरेस्ट में वो होना चाहिए. ठीक है, क्लियर है अब. लेकिन जो ऑप्शन नंबर डी है कि इनसेंसिटिव टू द शेयर इंटरेस्ट, ये तो क्लियरली गलत दिख रहा है. ठीक है, देखिए द गवर्नमेंट इज कैप्चर्ड बाई शेयर्ड इंटरेस्ट, यहां तक तो सही है कि जो सबका इंटरेस्ट होगा उससे आपकी गवर्नमेंट बनेगी. लेकिन एंड रिमेन्स इनसेंसिटिव टू शेयर्ड इंटरेस्ट ऑफ द होल कम्युनिटी, मतलब आपके बच्चे रो रहे हैं वहां पे लाइक भूखा है, वहां पे लाइक कुछ भी है, फ्लड है या कुछ कैलेमिटीज है, उससे क्या गवर्नमेंट को इनसेंसिटिव होना चाहिए, क्या उसे सोसाइटी की जो प्रॉब्लम है उससे कोई मतलब नहीं रखनी चाहिए. ये तो क्लियर है पॉइंट, रिमेन्स इनसेंसिटिव. अगर यहीं पे टर्म रहता है सेंसिटिव तो ये सही हो जाता, अगर यहीं पे ये रहता है सेंसिटिव तो ये टर्म सही हो जाता. क्या क्लियर है, इट इज क्लियर. ओके, तो इस चीज को याद रखिएगा. यस्टरडे क्या लिखा है शुभम, यस्टरडे मतलब ओके वो यस शायद आप लिख रहे हो यस. चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं. इनकी कुछ किताब है एरिस्टोटल की, पॉलिटिक्स, निकोमेनियन एथिक्स, रेटोरिक्स, पॉलिटिक्स, ये सारी चीजें. ठीक है, ओके नेक्स्ट. विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेड, मतलब किसने यह कहा, द पावर इज अ मैटर ऑफ गेटिंग पीपल टू डू व्हाट दे वुड नॉट हैव अदरवाइज डन. ये बात किसने कही है, ओके चलिए 15 लोगों ने आंसर कर दिया है, बाकी लोग कहाँ हैं. चलिए बहुत अच्छा, वेरी गुड. मनीषा, सुनीता, शुभम, मानसी, मारिया, रीचा, फिजा, नमन, दीक्षा, एहसान, 10 लोगों ने करेक्ट आंसर दिया है, बाकी लोगों का आंसर गलत हो गया. आज काफी लोग ऐसे आंसर, मतलब काफी सारे लोग ऐसे ऐसे हैं क्लास में जो हमेशा आंसर गलत नहीं करते हैं, बट आज पता नहीं क्या हुआ है. कुछ लोग ऐसे हैं जो हमेशा आंसर सही करते हैं बट आज उनकी परफॉर्मेंस सही नहीं है, मतलब लाइक कम है, पहले जितनी थी आज कम है. ऐसा क्यों है, रिविजन नहीं हो रही है क्या. इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका रॉबर्ट डहल. ठीक है, रॉबर्ट डहल ने यह बात कही है. ठीक है, ओके चलिए तो रिविजन कर लेते हैं. हना आरंट, हना आरंट को कैसे जानते हैं आप लोग, हाउ डू नो अबाउट हना आरंट, जल्दी से. मुझे लगा, कोई बात नहीं विश्वजीत, इसका करेक्ट आंसर जो है वो रॉबर्ट डहल है. हना आरंट बिल्कुल एक्शन की बात करते हैं, एक्टिंग इन कंसर्ट जो होता है वो पावर होता है, पब्लिक एस्फेयर प्राइवेट एस्फेयर के बीच में जो डिफ्रेंशिएट करने की बात की वो हना आरंट ने की. बिल्कुल ये फेमिनिज्म नहीं है, किसी भी स्पेसिफिक स्कूल और थॉट से एसोसिएटेड नहीं है, बैनलिटी ऑफ इविल से एसोसिएटेड है, बिल्कुल उनकी किताब है. ओरिजिन ऑफ टोटलिटेरियनिज्म, ठीक है, उनकी किताब है. थ्री टाइप्स ऑफ एक्शन की बात करते हैं, इन्होंने डिफ्रेंशिएट किया है वर्क, लेबर और एक्शन के बीच में. बिल्कुल ऑन रेवोल्यूशन, ऑन हैप्पीनेस, ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट किताब है. ठीक है, ऑन वायलेंस भी किताब है, बिल्कुल. ठीक है, बिल्कुल ये क्रिटिसाइज प्लेटो, प्लेटो को क्रिटिसाइज करती है, ऑब्वियस ही बात है, जब वो लाइक नाजी जर्मनी को क्रिटिक करती थी तो वो उनको भी क्रिटिक करेगी. ठीक है, ओके बिल्कुल. विटा एक्टिवा की इन्होंने बात की है. एक और जून प्लेटोकॉन, आप लोग सुना होगा जून प्लेटोकॉन की बात करते हैं. ठीक है, ओके चलिए अब हम बात करते हैं थोड़ा सा मैक्स वेबर. मैक्स वेबर को कैसे जानते हैं आप लोग, हाउ डू यू नो अबाउट मैक्स वेबर, ये तो
पॉलिटिकल थ्योरी से भी है, वहां से भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से भी है, फादर ऑफ ब्यूरोक्रेसी, आइडियल टाइप ऑफ ब्यूरोक्रेसी, थ्री प्रॉब्लम्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, उसकी भी बात करते हैं, ठीक है। ये हर जगह से है, तो बताइए क्या क्या जानते हैं आप इनके बारे में। थ्री टाइप्स ऑफ अथॉरिटी की बात करते हैं, क्रिजमेटिक अथॉरिटी, लाइक आपका एक और है लीगल रेशनल अथॉरिटी, एंड एक और कौन सा है, ट्रेडिशनल अथॉरिटी, बिल्कुल एक है ट्रेडिशनल अथॉरिटी, ठीक है, ओके। और क्या जानते हैं आप इनके बारे में, मैक्स वेबर, पैट्रोनिस से क्या, पैट्रोनिस और सिद्धि की ये बात नहीं करते, वो एफ एम मार्क्स करते हैं ना, एफ एम मार्क्स बात करते हैं, पैट्रोनिस, गार्डियन, ये सब, ठीक है। लीगल अथॉरिटीज बेस्ड, बिल्कुल लीगल रेशनल अथॉरिटी जो है, बिल्कुल साइंस एज ए वोकेशन, ये इनकी इंपॉर्टेंट किताब भी है, ठीक है, याद रखिएगा, बिल्कुल। क्रिजमेटिक अथॉरिटी की बात करते हैं, बिल्कुल बिल्कुल नॉन पर्सनल ब्यूरोक्रेसी है, वो जितनी सारी चीजें, चलिए ये सब चीजें याद रखिएगा, ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, हम लोग जब पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से डिटेल से पढ़ेंगे, चलिए आगे बढ़ते हैं, ओके। एक इंपॉर्टेंट और है, ये एग्जाम में पूछा जाता है, ए हैज पावर ओवर बी टू द एक्सटेंट दैट ही कैन गेट बी टू डू समथिंग दैट बी वुड नॉट अदरवाइज डू। इसका कहने का मतलब क्या है कि मान लेते हैं रोहित ए है एंड शुभम बी है, ठीक है, और रोहित कुछ काम करवाना चाहते हैं शुभम से, और शुभम वो काम करना नहीं चाहते थे पहले, लेकिन अब रोहित के कहने पे शुभम अगर कोई काम कर लेते हैं, इसका मतलब क्या है कि रोहित के पास पावर आ गया। ये कौन कहते हैं, रॉबर्ट डहल कहते हैं, ठीक है, यस। ये बहुत ही रिपीटेड है, ये कई बार, एक दो बार नहीं, कितनी बार आई है, ठीक है, ये चीजें आप लोग याद रखिएगा, मैंने जानबूझ के एग्जांपल से समझाया है ताकि आप लोग याद रखिए। डिफरेंट सेंस में है ये, हाँ पूछा जा सकता है, अलग अलग सेंस से पूछा जा सकता है, ठीक है, बट ये जिप जो कोटेशन है ये रॉबर्ट डाल की है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपको ये बताना है इसका आंसर, मैकियावेली रिगार्डेड एज फर्स्ट मॉडर्न पॉलिटिकल थिंकर बिकॉज, ये क्वेश्चन आ ही गया, ये क्वेश्चन में काफी सारे लोग फंस सकते हैं, प्लीज काफी आराम से सोच समझ के क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है पहले यूजीसी नेट में, दैट मीन्स कि यस, ओके। राहुल, सोनल, शान, रोहित, विश्वजीत, मनीषा, सुनीता एंड सुधांशु, क्या बात है, इसमें मात्र 8 लोगों ने आंसर किया है, बाकी लोग को ने इसका आंसर गलत किया है, कोई बात नहीं, जिनका आंसर गलत हुआ है ध्यान समझ लीजिए इसको, इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा अकॉर्डिंग टू यूजीसी नेट। 2 बार अलग अलग आंसर थे, अच्छा देखिए मैंने जहां तक देखा लास्ट ईयर में जो यूजीसी का क्वेश्चन होगा, ठीक है, लास्ट ईयर जो यूजीसी नेट में जो क्वेश्चन पूछा गया है वो सेम क्वेश्चन पूछा गया है, वहां पे जो यूजीसी नेट ने ऑफिशियल आंसर बोला है, ओके ठीक है ठीक है ठीक है, आप लोग बता भेज दीजिएगा, ठीक है, आई विल सी, बट इसमें जो करेक्ट आंसर कहा गया वो ऑप्शन नंबर 1, ठीक है, ऑप्शन नंबर, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं, ओके, तो ये सारी चीज आपके लिए है, आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट, Which of the following statement of Hobbes was wrong? इनमें से बताइए कौन सा statement Hobbes के बारे में गलत है? मैं आपको पोल दे रहा हूं। चलिए जल्दी से आंसर कर दीजिए। ओके, रोहित, रिचा, शुभम, मानसी, शान, श्रद्धा, विश्वजीत, नमन, सुनीता, मनीषा, राहुल, फिजा, दीक्षा एंड सुषमा, 14 लोगों ने करेक्ट आंसर किया है, बाकी लोगों ने इसका आंसर गलत किया है। गाइस द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। आप सबको पता है कि दूसरों ने जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सॉरी हॉब्स ने जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी किया उसमें उन्होंने सॉवरेन को पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना था, ठीक है, पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना, क्योंकि वो
क्या हुआ कि जब उन्होंने सोशल कॉन्ट्रैक्ट किया तो उन्होंने यह कहा, जब सारे लोग इकट्ठे होकर एक जगह आए तो उन लोगों ने क्या किया, एक एब्सोल्यूट मोनार्की को क्रिएट किया, मतलब किसी को चुना और अपने सारे पावर्स को उसमें सौंप दिया। ठीक है, ये चीजें आप लोग याद रखिएगा। नो, द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट है। सॉवरेन वाज पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट, ये जो लिखा हुआ है ये गलत है। ठीक है, कैसे सर? मानिया आप एक बार पढ़िएगा हॉब्स के थ्योरी ऑफ जस्टिस को। ठीक है, क्लास ऑफ मारिया बोले सर ह्यूमन नेचर वॉज नॉट नेचुरल, कौन सी स्टेटमेंट की आप बात कर रहे हैं, किस स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं? सी देखिए क्या है सी स्टेटमेंट, ह्यूमन नेचर वॉज डोमिनेटेड बाई एक्विजिटिव इंस्टिंक्ट। क्या नेचुरल स्टेट में सारे लोग मैक्सिमम प्रॉपर्टी को गेन करने में लगे थे? इस बात को सोचिएगा थोड़ा सा, एक्विजिटिव। नेक्स्ट, पॉसेसिव इंस्टिंक्ट, क्या सब लोग एक दूसरे के ऊपर पॉसेसिव यानी कि अपना दबाव कब्जा बनाना चाहते थे? एंड लव ऑफ ग्लोरी, क्या सब लोग अपने आप की मतलब ग्लोरी करना चाहते थे? लाइक हर लोग माइट इज राइट की कंडीशन में यही तो थी कि सब लोग ये चाहते थे भाई हम पावरफुल बन जाए, सबसे ज्यादा पावरफुल हम बन जाए। ठीक है, तो ये बिल्कुल ये चीजें आप लोग देखिए, मतलब लैंग्वेज को समझने की कोशिश कीजिए किस लैंग्वेज में लिखा गया है। यहाँ पे जब ये ऑप्शन नंबर बी क्लियर है कि पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट सॉवरेन नहीं थे। ठीक है, क्या क्लियर है मारिया? इज इट क्लियर? आप समझ पाए? ओके, थैंक यू, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जॉन लॉक कॉन्ट्रीब्यूशन चिफली लाइज इन हिज, जॉन लॉक से एसोसिएटेड कौन कौन सी चीजें हैं इसमें आपको बताना है। मैं आपको पोल दे रहा हूं, चलिए 10 सेकेंड और। चलिए लेट्स गो, ये काफी आसान क्वेश्चन है और मैं देख पा रहा हूं इस बार 12 लोग फिर भी 4 लोग फिर से गलत आंसर किए हैं, ये कैसे हो रहा है? क्लियर सी बात है, ये डेमोक्रेटिक स्टेट की बात करते हैं क्या जॉन लॉक? नहीं करते हैं। ऑर्गेनिक कॉन्सेप्शन ऑफ स्टेट की बात करते हैं क्या? ये स्टेट को मैकेनिस्टिक स्टेट की बात करते हैं, बोलते हैं स्टेट जो है वो रिजल्ट ऑफ क्या है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, स्टेट को क्रिएट किया गया है, या ऑर्गेनिक स्टेट की बात नहीं करते हैं, यानी कि कॉन्सेंट थ्योरी और लिमिटेड गवर्नमेंट की बात करते हैं। ऑब्वियस सी बात है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। ठीक है, इसमें कुछ गलत करने वाली बात नहीं थी। खैर जिनका गलत हुआ है आप लोग रिविजन को बहुत अच्छे से कीजिए, मुझे लग रहा है कुछ लोग रिविजन नहीं कर रहे हैं इस बात को सोचकर, काफी आराम हो गया सर एग्जाम आ गया है, चलिए अब एग्जाम हो भी जाएगा। ठीक है, नो, अगर एग्जाम में अच्छे करने हैं रिजल्ट अच्छे, तो यस पढ़िए। ठीक है, रिविजन कीजिए अच्छे से। ठीक है, चलिए, तो आई होप ये सारी चीजें आप लोगों को समझ में आई होगी एंड आज के क्लास से आप लोगों को बेनिफिट मिली होंगी। तो ठीक है, थैंक यू सो मच, आप लोग सीखते रहे एंड नेक्स्ट अपने रिवीजन को ज्यादा से ज्यादा करते रहे, क्योंकि रिवीजन अभी नहीं करेंगे तो कब करेंगे? इफ नॉट प्रेजेंट देन निवेन, अगर अभी नहीं करेंगे तो कब करेंगे? अब तो टाइम हो गया। ठीक है, आपकी एग्जाम भी आ गई, सब कुछ आ गई। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।